ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन को, इसीलिए एसिड्स को कहा जाता है प्रोटॉन डोनर। वहीं बेसिस हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, इसीलिए बेसिस को कहा जाता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब इन दोनों लाइनों का मतलब हम रिएक्शंस के तौर पर समझते हैं कि जैसे HCl हमारा एक एसिड है, तो HCl क्या करेगा, हमेशा प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो अगर HCl की रिएक्शन होगी H2O के साथ यानी वाटर के साथ, तो क्या होगा, तो हमारा H2O कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में, यानी कि HCl अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा, किसको, वाटर को, इसीलिए एसिड को कहा जाता है प्रोटॉन डोनर। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, प्लस में क्लोराइड आयन हमारा अलग हो गया। इसी तरीके से जो बेस होते हैं, जैसे अमोनिया हमारा बेस है, अब अमोनिया अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा, अमोनिया बेस है, तो बेस किस तरीके से वर्क करते हैं, ये होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अमोनिया क्या करेगा, ये वाटर से एक एच पॉजिटिव ले लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया हमारा अमोनियम आयन में NH4 पॉजिटिव, प्लस में OH नेगेटिव अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं वो आपस में क्या करते हैं, एसिड एक्ट करते हैं प्रोटॉन डोनर की तरह, और जो बेसिस होते हैं वो एक्ट करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह। अब आप यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस में देख रहे होंगे कि वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है और डोनेट भी कर रहा है, तो वाटर दोनों नेचर शो करता है, इसीलिए वाटर को कहा जाता है एम्फोटेरिक नेचर का। ठीक है, एम्फोटेरिक यानी कि दोनों नेचर शो करे, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में, कि इस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो देखो, लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इसकी दो लिमिटेशन है। पहली, इट इज़ लिमिटेड टू अ प्रोटोनिक सॉल्वेंट, ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट तक ही लिमिटेड है। और दूसरी, सब्सटेंस लाइक BF3 एंड AlCl3 दैट कांट गिव प्रोटोन बट स्टिल बिहेव एज एसिड। ठीक है, जैसे BF3 है या फिर AlCl3 है, ये दोनों सब्सटेंस प्रोटोन डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये एक्ट करते हैं एसिड की तरह, तो वो ये थ्योरी प्रूव नहीं कर सकती। ठीक है, ये थी बात हमारी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।